नमस्कार दोस्तों, ओप्पो का रेनो 6 जो दोस्तों 30,000 रुपये डिवाइस है, आप इस फ़ोन को 21,092 रुपये में खरीद सकते हो। ये दोस्तों आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि आप इस फ़ोन को 21,092 रुपये में कैसे खरीद सकते हो और दोस्तों इस फ़ोन में क्या क्या फीचर दिए गए हैं, ये भी दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो दोस्तों इस मोबाइल का हाईलाइट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बताऊंगा मैं इस फ़ोन के कुछ खास फीचर जो कि दोस्तों हमें इस फ़ोन में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें हमें मिलती है 6.43 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें दोस्तों आपको साइड में पंच होल कैमरा देखने को मिलता है जो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों जो डिस्प्ले है ये एक फुल व्यू डिस्प्ले है, इसमें आपको साइड और दोस्तों ऊपर कोई बेजल देखने को मिलेगा, आपको दोस्तों नीचे चिन्ह होती है वो हल्की से देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जो एक फुल व्यू डिस्प्ले है तो देखने में दोस्तों काफ़ी अच्छी लगती है। वहीं दोस्तों इस फोन की थिकनेस की बात करें तो ये दोस्तों सिर्फ 6.76 mm का एक इसमें थिकनेस दी गई है जो दोस्तों एक काफ़ी पतला फ़ोन है। और दोस्तों देखने में जिसकी साइड की डिज़ाइन है ये बिल्कुल दोस्तों आईफोन 12 सीरीज जैसी लगती है, इसमें दोस्तों कर्व नहीं है, ये एक दोस्तों आईफोन 12 जैसी सीरीज है, उसी हिसाब से दोस्तों इसमें जो साइड के बेल दिए गए हैं उसी हिसाब से दिए गए हैं कट वाले, दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और दोस्तों इसका साइड के बेल हैं दोस्तों वो प्लास्टिक के नहीं हैं, तो इसलिए दोस्तों ये और भी अच्छा लगता है। अब दोस्तों इसे कैमरे की बात की जाए तो इसमें दोस्तों इसके बैक में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों ये मेन कैमरा है वो दोस्तों 64 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा दोस्तों 8 मेगापिक्सल का है। तो दोस्तों जिस कैमरे के मामले में भी काफ़ी अच्छा फोन है। इसके फ्रंट कैमरे में दोस्तों हमें मिलता है 32 मेगापिक्सल का एक पंच होल कैमरा जो दोस्तों साइड में दिया गया है डिस्प्ले के अंदर। और दोस्तों इसकी बैटरी की बात करें तो वो दोस्तों 4300 mAh की है, हल्की छोटी बैटरी है, बट दोस्तों इसके साथ जो चार्ज दिया गया है वो दोस्तों 65 वाट का, जैसे दोस्तों आप इस फोन को काफ़ी जल्दी चार्ज कर सकते हो, तो बैटरी के मामले में भी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों अब बात करता हूँ मैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों इसमें हमें मिलती है Dimensity का 900 प्रोसेसर जो दोस्तों 6 nm पे बेस्ड है। तो दोस्तों आप इस फोन को अगर अपने गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर दोस्तों आप हैवी यूजर हो, हैवी फ़ोन चलाते हो, फिर दोस्तों आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है वो 6 nm पे बेस्ड है और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है Dimensity की तरफ से, जो दोस्तों एक 5G फ़ोन है और 5G प्रोसेसर है। तो दोस्तों अगर आपको ये फ़ोन चाहिए किसी भी मामले में गेमिंग के लिए या दोस्तों किसी और चीज़ के लिए, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप इस फोन को दे सकते हो। दोस्तों इस फोन के फिंगरप्रिंट की बात करें तो इसके डिस्प्ले के अंदर ही दोस्तों हमें मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो दोस्तों हर मामले में फ़ोन काफ़ी अच्छा है, तो आप इसको देख सकते हो दोस्तों जो 30,000 रुपये डिवाइस है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आप इस फ़ोन को 21,000 रुपये में कैसे खरीद सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको फ्लिपकार्ट ये फ़ोन परचेस करना है, जिसमें दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट का अपग्रेड प्लान देखने को मिलेगा जो दोस्तों 199 रुपये का है। तो जब आप इस प्लान को लेते हो तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको 70% रुपये देने पड़ेंगे इस फ़ोन के, जो दोस्तों 21,000 रुपये कुछ होते हैं, और बाकी दोस्तों जो पैसे हैं 30% वाले वो पैसे आपको अपने बजाज कार्ड या फिर दोस्तों क्रेडिट कार्ड के डिटेल डाल के एक साल बाद देने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है या फिर आपके पास बजाज कार्ड है तो आप इस फ्लिपकार्ट के अपग्रेड प्लान को ले सकते हो, जिसमें दोस्तों आपको सिर्फ स्टार्टिंग में 21,000 रुपये देने हैं, 21,000 रुपये और प्लस दोस्तों ऊपर के हैं जो 80-90 रुपये वो देने हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी पैसे आपको देने पड़ेंगे वो देने पड़ेंगे एक साल बाद। तो दोस्तों एक साल बाद आपको एक्स्ट्रा पैसे देने हैं इसके बाद वाले पैसे। तो आप इस तरीके से इस फ़ोन को फ़िलहाल 21,000 रुपये में ले सकते हो और इस फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि दोस्तों एक साल बाद अगर आप इसे सेल भी करते हो तो आप इसको सेल करने के बाद जो पैसे आपके फ़ोन के बचे हैं उनको आप पे कर सकते हो बजाज कार्ड या फिर दोस्तों EMI कार्ड के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा फ्लिपकार्ट पर। तो दोस्तों इस तरीके से इस फोन को आप परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।